सब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन वाह कैसी है डैन केनियन मीम्स और मीम मिनाटी 2M. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार. तो आ चुके हैं वापस एक और तरक्ती बढ़ती वीडियो के साथ. तो हर बार की तरह आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा फाड़ू बनी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा देना. तो आओ यार, लगाओ हेडफोन और शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के. तो दोस्तों आ गए हैं साकेत पीवीआर मूवी का रिव्यू लेने. मूवी जस्ट अभी खत्म हुई भाई. मूवी कैसे लगी? बढ़िया थी मूवी तो. चलो बढ़िया यार. आपको मूवी कैसे लगी भाई? बहुत जेन्युइन भाई. मूवी कैसे लगी भाई साहब? 3D मूवी थी, बहुत जबरदस्त. अच्छा, 3D में कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था या तो हम मूवी के अंदर या मूवी के बंदे निकल के बाहर आ जाएंगे. अच्छा भाई, आपको कैसे लगी? भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 3D BF लगा दी जाए तो कैसा लगेगा. क्या सोच है रे तेरी? आपने 40 किताबें 2 साल में लिख ली. 2 साल में होते हैं अगेन 24 महीने. 24 महीनों में आपने 40 किताबें लिख ली. 100 पेज की तो मिनिमम होगी किताब. 200 पेज की. 200 पेज, ये हो गए 8000 पेजेस. ठीक है, समझ गया. 8000 पेजेस और ये हो गए 720-730 दिन. आप रोज के हिसाब से 100 पेज लिख रही हैं तकरीबन. समथिंग. तो उस वक्त ये क्या कर रहे थे? ये कुछ नहीं कर रहे थे तो किताबें लिखना पड़ी. तो भैया आज आपको 10 सेकंड में अपने आगे एक आइसक्रीम खा के फिनिश करनी है. ठीक है जी, अगर आप 10 सेकंड में एक आइसक्रीम खा के फिनिश कर देते हो तो आपको 100 रूपए नगद इनाम मिलेगा. बताओ जी. पैसा ही पैसा होगा. 10 सेकंड के अंदर खानी है. ठीक है ना? नहीं खाई तो मैं आपको दे दूंगा. क्या बात है सर, क्या बात है सर. तो आपका टाइमर शुरू करते हैं. 3, 2, 1 स्टार्ट करो जी. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. भाई साहब दिखाओ, ये पैकेट तो दिखाओ. एक मिनट, इसकी डंडी निकालना है बाहर से. एक मिनट. ये तो भाई साहब खाली डंडी. आइसक्रीम कहा है इसके ऊपर? आपने कहा था भैया आइसक्रीम खाओ, मैं तो पन्नी फाड़ के आपके सामने खाई है. तो भैया तो आइसक्रीम खानी थी ना, ये तो पी गए तुम आइसक्रीम. उससे क्या मतलब है? आपने जो कहा था मतलब वो काम करा, चाहे तो पेट के अंदर ही है. ये बढ़िया था. शाहरुख खान आया हुआ है यहाँ पे पार्क में, आपको दिखा दो. हो शाहरुख खान कहाँ जा रहे हो? शाहरुख खान से भी बढ़कर हूँ. थोड़ा मोबाइल को ऐसे पकड़ा कर. शाहरुख खान नहीं आता ना तुमसे. एक बात बोलूँ, शाहरुख खान मेरा खुद फैन है. शाहरुख खान ने मेरे को खुद इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है. मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ. मैं तुम दोनों की मार दूंगा, चूती हो तुम. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मारपीट होती रहती है. आपको क्या लगता है क्या वजह है इनकी? दारू. अगर आपको पता ही है कि दारू इन सब की वजह है तो आप पीते ही क्यों दारू? अरे भाई साहब मैं नहीं पीता, मेरी वाइफ पीती दारू. असंभव असंभव. यही नहीं, अभी और सुनिए. चलिए ठीक है, अगर आपकी वाइफ दारू पीती है आप उन्हें प्यार से समझा सकते हैं. इसे मारपीट करने वाली क्या बात है? घर में छोटे बच्चे होंगे, देखते होंगे, अच्छा नहीं लगता होगा. भाई साहब मैं नहीं पीटता, मेरी वाइफ मुझे पीटती है. जैसे ब्लू आईज में आप वो लड़की जो लॉलीपॉप खा रही थी. तो वो जो लॉलीपॉप था वो आप घर ले आए थे? मैंने उसको दूसरा लॉलीपॉप दे दिया था. अब्बा मुझे फिर से स्कूल जाना है. अब्बा प्लीज प्लीज, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है ढंग से, मुझे ट्रिग्नोमेट्री सीखना है. अब्बा प्लीज प्लीज, सर्कल बनाना सीखना. अब्बा प्लीज एक बार फिर से स्कूल भेज दीजिए प्लीज. जाए बड़े काम पे जा.
स्निग्धा, मैंने सुना भगवान ने इस दुनिया में सिर्फ प्यारी और अच्छी चीजें ही बनाई हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आपको किसने बनाया? भगवान ने? नहीं, इतनी गलती नहीं कर सकते। जिसको फोन करना है कर, और उनको बता कि तू क्या है। तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि तू सबसे बड़ा ब्रांड है या मैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कर फोन। आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है, सेवाएं जारी रखने के लिए तुरंत रिचार्ज करें। गजब बेइज्जती है, खत्म। ओके, सुनिए। वो चाहता था मैं बुलाती थी, वो डालता था मैं रोती थी। वो जाता था, जाता था मैं बुलाती थी, वो डालता था मैं रोती थी, मैं रोती थी। चूड़ी वाला समझ रहा था। जो मांगू दे दिया कर ए जिंदगी, जो मांगू दे दिया कर ए जिंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो मांगू दे दिया कर ए जिंदगी, कभी तो मेरे बाप जैसी बन जा। और जेब खाली हो फिर भी मना नहीं करते देखा, मैंने बाबा से अमीर कोई शख्स नहीं देखा। आगा। और बाप के बाद खुद ही है सबसे बचना, मैं नागन डांस नचना, मैं नागन डांस नचना। लीजिए ये, इसमें भांग मिली हुई है ना, तो मेरे को हिट हो जाती है। लीजिए, मुंह खोलिए मिस्टर साजन, ओपन योर माउथ। ये क्या किया मैडम आपको, ये भांग बहुत टेस्ट करती है। अगर भांग चढ़ जाएगी तो आप भी चढ़ जाइएगा। तू समझा? जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाहर। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा फाड़ू लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। ये कैसी मैडम है रे, ये ऐसी कैसी मैडम है, सब लोग भागेंगे इसके पास जॉब करने के लिए। बोल रहा है बाबा भांग नहीं मेरे को चढ़ जाती। लीजिए इतने प्यार से अगर कोई कुछ खिला रहा है, लीजिए, तो कैसे कोई मना करेगा, खा ही लेगा। फिर उसके आगे आई डोंट केयर, कैसे बात कर रही हो ना। मैं ये सब नाटक करती हूँ मैं, नहीं तो तुम सोचोगे कि कैसे। और ये शाहरुख खान से कंपेयर करने वाला आदमी, मेरे को उसका मुंह तक नहीं दिख रहा ठीक से, सिर्फ आंखें दिख रही, पूरा बाकी का चेहरा उसने क्या लगाया क्या किया पता नहीं चेहरे पे। शाहरुख खान इज लव, शाहरुख खान प्यार है मेरा, ऐसे मत बोलो उसके बारे में। सीरियसली यार, बहुत ज्यादा मेरे को, मतलब मैं जब छोटी सी बच्ची थी तब से लेके अभी तक एक ही फेवरेट मेरा ऐसे ही चेहरे को, एक को पकड़ाना एक ही। मजा आता है पर क्या यार, क्या बोलने का। तो कौन सा मीम आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये ना मेरा रिएक्शन ऑन वाह क्या सीन है बाय मीम मिनाटी 2M। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आ ले।